सूरीनाम के हमार जितना जनता लोग हैं सब कोई के आज बहुत प्यार और मोहब्बत है। और आज फ्राइड अक्टोबर 20 मई के लिए आकाशवाणी त्रिशूल के दैनिक समाचार के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सभी को राम राम। और इंशाल्लाह यही उम्मीद में बाटी कि आप लोग सबको जरूर मोई से होइयो ना। आज एक बार फिर दैनिक समाचार से आपको खिदमत करूँगा। देश के जनता जहाँ तक हमारे पास जा है सबके बड़ा उल्फत और मोहब्बत से याद करल जाएगा। दखब्लक सूरीनाम से मैं बयान करता हूँ और दखब्लक सूरीनाम बोले है पॉलिटिकोलोग हांस ब्रेफेल्ड का ये कहना है। इनका ये ख्याल है एनडीपी साल फरअंत वोर्ड लिखाई द्राखन फॉर रोमल एन रोत्सोई आल्स तेमन नित ऑन खस्तोर्ट खतेल्ट वोर्डन। तो ये बात बतावे है पॉलिटिकोलोग हांस ब्रेफेल्ड, ये बोलेगा कि कोई भी रेदन ना है या मोह से सुनियो, एक भी वजह कोई भी कारण या रेदन ना है कि प्रेसिडेंट देसी बौतर सा ई नौदख फिंद करिस है कि कोविड 19 के सिलसिले में बे रेसोल्यूसी कुछ मात रेखल बकेंद करे के आने वाले चुनावट के लिए। तो हांस ब्रेफेल्ड बोले है शितखेन एंकल या रे दवारम द प्रेसिडेंट हत नौदख हीव गेअक्ट ओम इन फरबांड मेट कोविड 19 बे रेसोल्यूसी अन आंताल मात रेखल बकेंद माके फोर द फरकिसिंग फा मांदा। इसमें भी बतावल जा है कि फोर सितर स्टेम ब्यूरो के कोविड 19 के सिलसिले में बोले ई गिनने के कारोबार जो है खबरख्त स्टेमन का बोले स्कॉर्स कर सके हैगा। दखब्लात से ब्रेफेल्ड ऑप्टेकन करवावे है कि ई रेसोल्यूसी जी हाँ इंस्ट्रेट है किस रेखलिंग से वार इन अल्स लिमिटेटिव इस ऑब्खसोम्ड। तो ये बात हमने आप लोगों के नाम पर रख दिया है। हांस ब्रेफेल्ड बोले एनडीपी फॉर अंत वोर्ड लक है अपने ऊपर लेगा, जी हाँ जब बबाल होई या तो स्टेम वोट जो है ऑन खस्तोर ना तेल होगा। तो ये बात हमने आपको बता दिया है, ये ख्याल है हांस ब्रेफेल्ड का। फेफन सेस्ट या नेखनन सेस्ट खियार खमान फाल्ट दोत नेर, तो ये बड़ी दुख की बात हो ये नेखनन सेस्ट खियार के नीदरलैंडर एरपे दोंदर दख की हल्फ त्वालफ प्रिंसन स्त्रात और फ्रदर्बी स्त्रात के कोने पर ये गिर गया। निवाहाफन के सिपाही को मेल्डिंग मिला कि एक आदमी बेहोश के हालत में सड़क पे पड़ा रहा। सिपाही जब पहुंचा तो पता चलता है कि ये आदमी जी हाँ इनकर देहांत हो चुका था। सिपाही को तार किया गया है या आर्ट्स को तार किया गया है और आर्ट्स का कहना है कि बरूरत के कारण से ये आदमी के दम टूट गए। देश के जनता हम आप लोगों से बताते हैं कि ये आदमी सड़क पर गिर पड़ा है बेचारा और लाश को परिवार को सौंप दिया गया है, तो ये बड़ी अफसोस की बात होता है ना। द्रंक ऑटो बस्तियोदर इन खसलो होता तो ये बड़ा अच्छा हुआ ना। सिपाही एनन तुवन तख मई को फिरन दैर तखियार के ऑटो बस्तियोदर एल से को भीतर करीज है। ये आदमी वंस दख अब दोंदर दख एनन तुवन तख मई के रात को अपनी गाड़ी से चलाया है दाफत सिमोन स्त्रात और खोम्पर स्त्रात। ई क्रॉसिंग पर ये फोर रंग फली न करता है और आन रेडिंग हो गया अख्तन तुवन तक यारख मेद इन सितन द एर आ चोटान है। उनकर एंकल फ्रैक्चर हो गए, पीरा रहा बहुत फर और साकर एल से जनता ई नशे में रहा। उ वक्त गाड़ी चलाते वक्त नशे में रहा और देश के जनता एकरे पास ख्याल दख रही बवेश भी ना रहा। उपम्बार मिनिस्टेरी बोले सुन एक तो नशान ऊपर से रही बवेश ना है कि भीतर करो। तो ये हवालात में है भैया और प्रॉब्लम में देखो पड़ गया है। तो ऐसे बात है भाई ना, प्रॉब्लम अगर ना है तो ना खोजो। कितने भाई लोगन है जो पी पाई के बगैर रही बवेश के फरके रुम जा है दिस हम ना जानी यार। बाकी प्रॉब्लम आई तब ना बोलियो कि ना बोले रहली कोवालिसी वरक्त नीत में हेन तुलातिंग निवदेयना लीद। तो एक बारे में भी दाखबलात बयान करे हैं, बोले देयना फरखादरिंग कल इसको अंजाम ना दे सका गया है। काहे के एनडीपी के फ्राक्सी लेदर अमसद अब्दुल बतैले रहा कि ओकर फ्राक्सी न में वरक करेगा
अमसद अब्दुल इबाद को जाहिर किया है कि ओकर फ्राक्सी मई द वर्किंग ना देगा। बरकत मुहाप अली फेहा पे और प्रेम सरजू एन पी एस ई दोनों कैंडिडातन जी हाँ ये जगह लेने वाले थे तरुख खरूपा रेमोंड सपून एन दीपक कुमार चित्तन के जगह पर। मार असेंबली फोर से तरिया नफर खेलिंग सिमोन से बातचीत भले रहा या उपस्थिति अन्वेषक रहा, मार देश के जनता ई सभन इकू जो कोवालिसी है ये लोग जो है खास तौर पर ना हाँ ये लोग उपस्थिति वाले रह ले, लेकिन कोवालिसी अपन में इधर वर्किंग फलेन ना करी है। बरकत मुहाप अली फरमाता है जनता वानिका के 25 तारीख मई को इतना दूर तलक करेंगे कि वो अंदर आएंगे या तो देखते हैं क्या निकलता है ना। हाँ तो ऐसे बात हैगा और देश के जनता इसने क्रांति हम लिखल है तो हम पढ़ ले ली बाटी। चांद संतोखी बोले प्रेसिडेंट सेल रेसोल्यूसी फर की सिंह मुद इन खतरों का वर्धन बोले वही खान दखरोत ओवर विनिंग बहाल मार हम लोग एयरलक फरकी सिंह मांगीला। ई बात चंद्रिका प्रसाद संतोखी बोले हैगा या हरीश मनोरथ भी बोले है अलेन इन नो टू स्टंट का ये मैं रे सोलिसी को मा। अच्छा तो देश के जनता यहाँ पर लिखा है ना क्वात विलखन प्लाटसन फे हपी फ्लाखन फॉर वोनिंग दुखी दुखी तो दुखी बोले एक वोन इन दैट हाउस एंड कैप नोइटन फ्लाखसिन। तो देश के जनता इस सब चीज होता रहेगा भाई हम बताइला। और यहाँ पर भी लिखल है पिकअप फॉर लेन खेम फॉर रंग तो ऐसे बात है मेरे देश के जनता इस सब चीज आप लोगन के नाम पर है फॉर रंग ना फॉर लेन करियो तई सब चीज होता रहेगा। हम आप लोगन से बताइला मोई से सुनियो आप लोगन या कल के प्रोग्राम में भी बोलबे और आज भी बोलबे आपसे और दोरो बोलबे ना सूरीनाम के जनता आप लोगन गौर करियो कि चुनावट हम लोगन के देश में अंजाम दिया जाएगा या सब कोई से यहाँ से निवेदन करीला हम सब पॉलिटिकल पार्टी से आप लोगों से गुजारिश करता हूँ निवेदन करता हूँ कि आप लोगन स्पोर्टिफ रहे। सब पॉलिटिक पार्टी वाले जाएंगे चुनावट के दिन स्टैम बिरो पर अपने पार्टी अपने लीडर को ना हाँ प्रमोट करेंगे कि भैया इनको दे दो इनको चुनो ये वो भैया ठीक है करो आप लोगन अपने कार्य को लेकिन किसी को आप लोगन गाली ना दे चाहे अंधे पे चाहे फे यहाँ पे चाहे जोन पे एक को प्रॉब्लम ना है। सब कोई मिलजुल के काम करो एक दूसरे के मदद करके वहाँ पर पूरा दिन को आप अच्छे से सुकून से बिताइए। झगड़ा लड़ाई एक दूसरे से ना करो तू ना जाने हैं कि तोर ले इधर तोर पड़ते केकरे संगे गले लगेगा लड़ना झगड़ना बेकार है वहियात है। हिल मिल के लड़ने झगड़ने से कहीं पर कोई कार्य को अंजाम न दिया गया है ठीक से ये बात आप अपने जहन में रख लीजिएगा और अच्छे तरह से चुनावट में हिस्सा लीजिए स्पोर्टिव रहिए। प्रोपखांडा के तहत में कोई के गाड़ी ना दियो आप लोगन वापन करे तू वापन करो सब कोई मिलजुल के करो समझो हम आप लोगन के का समझाइला। कलामी तहत मुत व फोर को हमारे भाइयों एन व मुत फ्रिंदलक या एन कोरेक्ट नेच से स्पोर्टिव दिल नहीं मंद अलखमीन फ्रय एन खहै मफर की सिंह ना लड़ो झगड़ा करो हम लोग एक हैं ये बात ना भूलो। पॉलिटिक के पाछे कोई के झगड़ा कोई के गाली कोई के अंड बंड ना बोलो ये ना भूलो कि हम लोग सूरीनाम के सब जनता एक है एक मुट्ठी बांध करके हम लोग कामयाबी की तरफ बढ़ सकेंगे ऐसे को हालत में ना। शुक्रिया दैनिक समाचार खत्म होता है अस्सलाम वालेकुम जिंदगी रहा तो फिर मुलाकात होगा शुक्रिया।